जनपद जालौन के कोंच नगर के मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के कर्मचारी अभिषेक विचारिया अपना 6 माह से वेतन न मिलने के कारण महाविद्यालय परिसर में धरना पर बैठे। हमारी मांगे पूरी करो। उन्होंने बताया कि वह वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से महाविद्यालय प्रशासन को एवं प्रबंध तंत्र को अवगत करा चुके हैं, लेकिन वेतन नहीं मिल रहा और परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसी भीषण महंगाई में बिना वेतन के परिवार का भरण पोषण करना कैसे संभव है। कर्मचारी ने यह भी बताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब इस मामले को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर TR निरंजन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कर्मचारी को वेतन महाविद्यालय अपने निजी स्रोतों से देता है, जिसकी जानकारी महाविद्यालय प्रबंध तंत्र को दे दी गई है, लेकिन प्रबंध तंत्र का लचीला रवैया कर्मचारी का शोषण कर रहा है। ये हम अपनी वेतन की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। कई बार मौखिक रूप से लेकिन लिखित रूप से भी हम महाविद्यालय प्रशासन को प्रबंध तंत्र को बता चुके हैं कि हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। होली का त्यौहार आ रहा है, नए बच्चों के शैक्षणिक सत्र शुरू होने हैं, उनकी फीस जमा करनी है। ऐसी दुविधाओं को लेकर के और यहाँ कोई प्रबंध तंत्र या महाविद्यालय प्रशासन इस प्रकार का कोई सांत्वना नहीं दे पा रहा है कि हम कब तक आपका वेतन देंगे। तो बिना वेतन के घर खर्च चलाना सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, गृहस्थ रूप से, हर प्रकार से हमें बहुत यातना झेलनी पड़ रही है। हम अवसाद की स्थिति में हैं, कोई ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और प्रबंध तंत्र और महाविद्यालय प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। इसमें हम अभी तक आपने किसी से शिकायत की है? शिकायत क्या, मैंने इसके लिए अपना प्रार्थना पत्र हमने दिया, प्राचार्य जी को भी दिया, हमने प्रबंध तंत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय को, प्रबंधक जी को, मंत्री जी को, सभी लोगों को हमने अपना एप्लीकेशन दिया हमने कि हमारा वेतन हमें दिलाया जाए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आज सुबह हम 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, अभी तक महाविद्यालय प्रशासन से या प्रबंध समिति से कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने भी नहीं आया है कि आपकी समस्या क्या है। आज हमारा धरना प्रदर्शन है, प्रबंध तंत्र या महाविद्यालय प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। अगर नहीं सुनते हैं तो आगे हमें आमरण अनशन पर भी बैठना पड़ सकता है अपने हक के लिए, और हम जरूर बैठेंगे। सर, आपके जो विद्यालय कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनका 6 माह से वेतन नहीं मिला है, आज वो अनशन पर बैठे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ये है कि ये स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और इसमें प्रबंध समिति का दायित्व है और उनको कहा जा चुका है। प्रबंध समिति ने भी आश्वासन दिया है कि व्यवस्था होते ही इनका वेतन दे दिया जाएगा और हमने जो भी यथोचित कार्रवाई हो सकती है इनके वेतन दिलाने के लिए मैं भी भरसक प्रयास में लगा हुआ हूँ। कल पर बैठेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब इस तरह की हमें सूचना तो नहीं दी गई है, लेकिन ये है मैं प्रयास में हूँ और प्रयास ही कर सकता हूँ। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये प्रबंध समिति के अधिकार क्षेत्र में है।